जवाब जरूर देना, चुपचाप मत बैठे रहना, वरना ग्लानी में रहते रहोगे, ग्लानी 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 कि यार मैं कुछ बोल नहीं पाया, और इसी चक्कर में तुम्हारे कितने दिन बर्बाद हो जाएंगे। होगी बात 10 मिनट की, लेकिन तुम पूरा दिन खराब कर दोगे उसी को सोच सोच के। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है ना, वो ज़्यादातर आता है अभद्र भाषाओं को लेकर। भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अभद्र भाषा का क्या करें? अभद्र भाषा से आप समझ गए होंगे, आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करूंगा। और मुझसे पूछा गया कि क्या आप पालन करते हो, तो क्या आपने कभी किसी को अभद्र भाषा किसी को बोली, खासकर अपने जब दोस्त यार होते हैं, मित्र होते हैं? आजकल आप देखते हैं कि दोस्ती यारी में बिना अभद्र भाषा बोले तो बात ही नहीं होती है। और इससे मैं भी गुजरा हूँ, मेरे भी मित्रगण हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी गुजरा हूँ इससे, और आज भी ऐसा कई बार होता है। लेकिन क्या ये सही है ब्रह्मचर्या में? खासकर हम जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, नियम अनुशासन की बात करते हैं, अच्छी दिनचर्या की बात करते हैं, अध्यात्म से जुड़ने की बात करते हैं, ईश्वर के प्रति और मतलब उनके प्रति आस्था रखने की बात करते हैं कि नहीं यार हमें हर अच्छे तरीके से बनना है, और खासकर ये जो अभद्र भाषा है जिसमें अश्लील वर्ड का उपयोग होता है, तो क्या ये ब्रह्मचर्या में सही है? और क्या मैं जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ ऐसी कभी कंडीशन आई है कि मुझे ये चीज़ें बोलना पड़ी हों? क्योंकि बहुत से युवा भाइयों के साथ, वो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, अब आप जानते हैं कि मित्र मंडल भी होता है और कई ऐसे हमारे विरोधी भी होते हैं जो हमें परेशान करने के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। मित्र मंडल में भी कोई ना कोई बदमाश रहता है जो अभद्र भाषाओं का उपयोग करता है, और ऊपर से हम जब ब्रह्मचर्य सेलिबेसी इनका पालन कर रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए? वीडियो महत्वपूर्ण है, ये ज़रा ध्यान से समझना, और मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ ऐसी कंडीशंस में। देखिए, हमें समझना होगा सबसे पहले तो आज का जो समय है, अभी के समय की जब हम बात करें, और थोड़ी सी कहीं की रोड फाइट भी हुई, रोड फाइट में शायद, हाँ मतलब कि गाड़ियों से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी आमने सामने आ जाना, आजकल सभी में एक एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों में भी हमें देखने को मिल जाएगा। कई मैंने ऐसे कई बड़े लोगों को भी देखा है, मैं किसी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज का एक समय ही ऐसा हो गया है कि अभद्र भाषा तो लोगों के मुंह पे बैठी हुई है, बिल्कुल ज़बान पे, ज़रा कुछ हुआ नहीं, यहाँ तक कि छोड़िए लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात रही, मजाक मस्ती में भी अभद्र भाषाएँ बोली जा रही हैं। तो अब क्या हम इसको बदल सकते हैं? ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आज ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरी दुनिया में है ये अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो हंसी मजाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कुछ भी बोले, माँ बहन पर जो है बोलते हैं, और भी तरह तरह के विभिन्न प्रकार के अभद्र वर्ड बोले जाते हैं अब, जो कि मैं बोल के नहीं बता सकता। अब भाई ऐसी कंडीशन में, खासकर जब हम हमारे मित्र मंडल में बाहर हम जा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, बाहर कहीं, भैया हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अब हमसे किसी ने मजाक मस्ती कर दी, या हमारे कोई मित्र मंडल जो हमारे खास हैं वो हमसे कुछ इस तरीके की भाषा बोल दें, तो क्या हमें उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए? और खासकर तब जब बात आन आन पे आ गई हो, यानी कि कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती उलझ रहा है, फाइट करना चाह रहा है आपसे, वो आपको अपशब्द बोल रहा है, आपके परिवार वालों को जो है टारगेट कर रहा है, मेरी बात समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपके परिवार को टारगेट कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है, ओवर लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो क्या हम अपना मुंह बंद रखें? अब ज़रा ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, मैं वही बोलूँगा जो मैंने खुद ने भी एक मुझे अनुभव जो मिले हैं इस पर, कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को, कि आज का ऐसा जो ज़माना आ गया है। देखो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, देखिए अगर कोई साधु संत हैं उनकी बात ही अलग होती है, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह युवा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं बहुत सहनशील हूँ, बहुत ज़्यादा धैर्यवान हूँ, तो मैं सब कुछ सहन कर लेता हूँ, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं पिछले इतने समय से सेलिब्रेसी कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ इसका, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन मेरे सामने आई है, भाई बाहर आना जाना होता है, काम काज कर रहे हैं, 10 लोग तरह तरह के होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई सहनशील लोग भी आते हैं, मित्रता करने वाले अच्छे लोग जिनका व्यवहार अच्छा है वैसे भी आते हैं, कुछ कुछ टेढ़े लोग भी आते हैं, आजकल कहते हैं ना टेढ़ों का जमाना है साहब, तो टेढ़े लोग भी आते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो क्या मैं उनको जो है अच्छे से रिप्लाई दे देता हूँ, या राम का नाम लेके वो कर देता हूँ कि भैया जय श्री राम, क्योंकि चलिए आपने मुझे दे दिया, आपने कल को आपने मेरे आराध्य पे बोल दिया, या मेरे श्रीराम पे बोल दिया, या मेरे घर वालों पे बोल दिया, तो मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, मैं भी उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। भैया बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं आपको देखिए रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कोई अगर आपको अभद्र भाषा बोल रहा है, आपके परिवार के ऊपर बोल रहा है, आपके आराध्य के ऊपर बोल रहा है, तो आप चुपचाप बैठ के सुनो कि नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, नहीं, आप शायद भूल रहे हैं। देखिए एक राम थे और एक परशुराम है, बात समझ में आ रही है? मेरी बात को समझना गंभीरता से, वरना तुम कमेंट में आ जाओ और शुरुआत कर दो कि भैया आप तो यहाँ पे अभद्र भाषा बोलना सिखा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले ध्यान से समझना, बात आन पे आ जाए, अपने ऊपर आ जाए, अपने परिवार पर आ जाए,
तो हमें परशुराम भी बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये नहीं तुम उसको उल्टा मत लेके चले जाने कि तुम मार धाड़ करने लगो, किसी को पीट पाटने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। जो जैसा कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब देना ज़रूरी होता है आज के टाइम में, ताकि उसको एहसास हो सके कि हमने यार उसके साथ गलत किया, एहसास हो उसको। अब आजकल तो भैया मुझे बहुत कम दिखता है कि किसी को कुछ एहसास हो रहा हो, सब लगे हैं भैया आप क्या ही बोलें। बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, अगर मेरे साथ इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। बात समझ में आ गई? आपको अपने ऊपर बोझा नहीं लेना है कि कोई मुझे कुछ कह गया और मैं बैठ के सिर्फ सुन रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई, मैं जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करूँगा। ऐसा नहीं कि भैया अपने आप को बहुत महान बताऊँगा, तपस्वी बताऊँगा, नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ साहब, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, इतना मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ जो अनुभव है, आप जो युवा भाई हैं, मैं युवा हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आज युवा भाई हम एक जैसी कंडीशन ही फेस कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी जहाँ गलती नहीं है। हाँ, बाकी मजाक मस्ती की बात रही, बहुत से भाई कहते हैं भैया मजाक मस्ती में भी अनशन बोल देते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो आप भी बोल लो, ठीक है, नॉर्मली। बस ये है, कोशिश करो कि बेवजह हम मजाक मस्ती में भी किसी की माँ बहन के ऊपर ना जाएं। मैं स्वयं मजाक मस्ती में भी किसी की माँ या बहन पर नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। जो हमने क्या कहा, जब कोई लिमिट क्रॉस कर रहा हो, आन पे बात आ जाए, तब बात अलग है, बेवजह इनकी ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे भी मित्र हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे सभी मित्र बहुत ही सहनशील हैं, वो मजाक मस्ती भी करते हैं। जब दो मित्र मिलते हैं तो थोड़ी मजाक मस्ती भी होती है भाई, तरह के होते हैं भाई, फ्रेंड्स होते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। अब बेस्ट फ्रेंड हमारा ऐसा है, कोई ऐसा हो कि भाई वो हमसे इस तरीके से बोल रहा है, तो हम उसका कोई कॉलर नहीं पकड़ लेंगे। मेरी बात को समझना भाई, आज का समय थोड़ा ऐसा है, बस हमें अपने ऊपर काबू कंट्रोल करना है, समझ रहे? छोटी मोटी हंसी मजाक ठीक है, आजकल तो भाई हंसी मजाक में भी अश्लीलताएं हैं। आजकल आप जोक देखते होंगे, जोक्स वगैरह होते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे हम देखें तो उसमें अश्लीलता भरी रहती है, अभद्र भाषाएं होती हैं, लेकिन हमें थोड़ा काबू करते चलना है, मतलब एडजस्ट करते हुए चलना है हर बात पे। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज या अभद्र भाषाओं का प्रयोग करें भाई। जैसे मैं हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मैं बेवजह किसी को नहीं बोलता। हाँ, मजाक मस्ती वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कई बार मजाक मस्ती करते हैं मेरे साथ में, तो मैं भी उनके साथ में मजाक मस्ती करता हूँ, कुछ वर्ड मेरे मुंह से भी निकल जाते हैं अभद्र। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूँ पूरा, मैं आपको ये प्रस्तुत नहीं करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा दूध का धुला हुआ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य अपनी जगह है, कोई बड़े ब्रह्मचर्य को बुरा बोलेगा या कोई आराध्य को बोलेगा, मेरे माँ को बोलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल खुन्नस खा के बैठा कि नहीं यार साले इससे तो उलझना है मुझे, समझ रहे हैं? कुछ ऐसे होते हैं टेढ़े लोग, अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप अच्छी बात है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसे टेढ़े लोग आपको हर जगह मिलेंगे, तरह तरह के, और कंडीशन आएगी खासकर स्कूल और कॉलेजेस में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी इंद्रियों पर काबू रखें कि बस अपने को अपने ऊपर ध्यान देना है। लेकिन कई बार टेढ़े लोग जब मिल जाते हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दो भाई, वरना ऐसे में होगा क्या मेरे भाई? आप अगर उन्हें जवाब नहीं दोगे तो आपके मन में वो बात रह जाएगी, यार मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ लेकिन ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है, उसने मुझे इतना कुछ बोला और मैं मजाक मस्ती भी नहीं कर पाया, या मैं उसको कुछ इस तरीके का जवाब नहीं दे पाया। आप दिन रात उसी के बारे में सोचोगे और सामने वाला भी ये सोचेगा यार ये तो बेवकूफ है, कुछ बोलता ही नहीं है, इसके और मजे लो, वो तुम्हें फिर और टारगेट करेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए जहाँ लगे कि बोलना चाहिए बोलिए। मजाक मस्ती हो रही है, आप भी मजाक मस्ती करिए, ठीक है, मजाक मस्ती तक रखिए, मैं भी मजाक मस्ती तक रखता हूँ, खुद से ही बहुत सारे मजाक मस्ती भी करता हूँ ताकि किसी के चेहरे पर हंसी भी आए, हम मिलजुल के रहते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, माँ बहनों की गाली इस पर नहीं जाना है, हमें सम्मान करते रहना है, मैंने पहले भी कहा आपसे इस पर नहीं जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपकी फैमिली को टारगेट कर रहा है, तो उसी की भाषा में उसको जवाब ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है, वरना बहुत से भाई गलत लेके चले जाते हैं। देखो भाई, मेरे चैनल पर कोई झूठ वूट नहीं बताया जाता कि कुछ भी बकवास कर दी, कुछ भी बोल दिया, ये मेरा मोबाइल है सामने, ये मैं बैठा हुआ हूँ, जो मैं फेस करता हूँ वही मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ताकि और अब जो मुझसे पूछा जाता है कि भैया ऐसी कंडीशन में क्या करें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है मेरे भाई, आप ही की तरह मैं एक युवा हूँ, मैं भी ऐसी चीज़ें फेस करता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य अपनी अलग जगह है, उसमें आपको अपनी इंद्रियों पर काबू करें, आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें, अपनी मेहनत करें, ठीक है भाई। इंद्रियों में काबू करने पे ये भी आ जाता है कि जब हम किसी को जैसे बोल रहे हैं तो हमें बोलने पर भी संयम हो। पहली बात तो हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मतलब गलत आदतों में हैं, तरह तरह के होते हैं भाई, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ गलत आदतों वाले होंगे, कोई अच्छे हैं लेकिन वो हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, कोई अभद्र भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, आप लोगों से भाग नहीं सकते। बस आपको अपने ऊपर संयम रखना है, यहाँ ठीक है, लिमिटेड हंसी मजाक कर लो, ठीक है, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, आपने भी छोटा सा कुछ बोल दिया, ठीक है, लिमिटेड भाई। जैसे आप जानते हो कि सामने वाला कैसा है, जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे इधर कौन कैसा है क्या है, तो हम उसके साथ वैसी मजाक मस्ती कर सकते हैं, लेकिन
आप अपने उधर अच्छे से जानते हो ना, आपके जो मित्र हैं आप उनके व्यवहार को जानते हो, आपके व्यवहार को जानते हैं, इस तरीके से समझने में कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। भाई देख लो क्या कंडीशन है क्या नहीं है, कुछ जानबूझ के आपको टारगेट करे तो जवाब ज़रूर देना, चुपचाप मत बैठे रहना वरना ग्लानी में रहते रहोगे, ग्लानी 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 कि यार मैं कुछ बोल नहीं पाया, और इसी चक्कर में तुम्हारे कितने दिन बर्बाद हो जाएंगे। होगी बात 10 मिनट की लेकिन तुम पूरा दिन खराब कर दोगे उसी को सोच सोच के। ठीक है मेरे भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, बस ब्रह्मचर्य अपनी जगह है, संयम रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।